नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप फाइव स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे में। जी हाँ, पांच बड़ी खबरों के साथ मैं अभिलाष एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया ने एक बेहतरीन सीरीज जीती और 2-0 से व्हाइट वॉश किया वेस्टइंडीज की टीम को। ये वही टीम है जो 1980-1990 के दशक में दुनिया की नंबर एक टीम मानी जाती थी और आज कुछ खिलाड़ियों की वजह से वेस्टइंडीज की टीम पूरी तरह से धराशायी होती नजर आ रही है। खैर, वेस्टइंडीज की टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली थी, लेकिन यहाँ पर भारत के सामने उन्हीं के घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत वेस्टइंडीज की टीम को हुई। बहरहाल, भारत के लिए पॉजिटिव तो कई सारे निकले, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, विराट कोहली की फॉर्म भी, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव भी देखने को मिला। केएल राहुल को लगातार मौके, और क्या अब केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया जाएंगे इस पर भी फैसला देखना दिलचस्प होगा, या फिर युवराज सिंह की वापसी विश्व कप को लेकर भी अब तेज होनी शुरू हो गई है, उनके बारे में बातें, अब देखना दिलचस्प होगा कि युवराज सिंह विश्व कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि केएल राहुल के विकल्प के तौर पर हो सकता है कि रोहित शर्मा को मौका मिल जाए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, और मौका मिलना भी चाहिए क्योंकि अब केएल राहुल को थोड़ी शर्म आनी चाहिए और थोड़ा देखें कि भाई आप मैच और टीम का बैलेंस किस तरह से बिगाड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको बैक होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको मंथन करना पड़ेगा कि आप किस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो चलिए, ज्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की ओर। आप देख लीजिए हमारे खास सेगमेंट में क्या है आज की टॉप फाइव स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज 21 अक्टूबर से खेली जाएगी। टेस्ट सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया की नजरें अब वनडे सीरीज पर हैं, जिसमें रोहित शर्मा वापसी करने जा रहे हैं। वापसी से पहले ही रोहित शर्मा चर्चाओं में हैं। दरअसल, विजय हजारे ट्रॉफी में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा का चयन नहीं हुआ था, ऐसे में मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते नजर आए। रोहित शर्मा ओपनिंग करने उतरे थे। रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने उतरे तो एक फैन उनके पैरों में गिर गया। आशीर्वाद लेने के लिए वो सिक्योरिटी घेरा तोड़कर उनके पास पहुंच गया और पैरों पर गिर गया। रोहित शर्मा ने फैन को उठाया और वापस जाने को कहा। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है, जहां पर उन्होंने 33 रन बनाकर मुंबई को जिता दिया। बिहार ने मुंबई के खिलाफ 69 रन बनाए थे। मुंबई ने बड़ी ही आसानी से मैच को 9 विकेट से जीत लिया। उन्होंने 2 छक्के और 3 चौके जड़े। 33 रन बनाकर रोहित नाबाद रहे और मुंबई मैच जीत गया। 42 गेंद खेलते हुए उन्होंने 33 रन बनाए। विजय हजारे का पहला क्वार्टर फाइनल मुंबई और बिहार के बीच खेला गया था। मुंबई इस बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतने की प्रबल दावेदार भी मानी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई किस तरह से विजय हजारे ट्रॉफी को लिफ्ट करती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए हैदराबाद टेस्ट मैच में एक समय ऐसा आया जब भारतीय गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को धराशायी कर दिया। उस वक्त मैच को एक तरफा होने की वजह से दर्शक काफी शांत दिख रहे थे। ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने दर्शकों में जोश भरने की कोशिश की। कोहली ने इशारा करते हुए दर्शकों से शोर मचाने को कहा ताकि उनके गेंदबाजों का उत्साह बरकरार रहे। भारत की शानदार गेंदबाजी के चलते वेस्टइंडीज की दूसरी पारी महज 127 रनों पर ही सिमट गई। इस मैच में मेहमान टीम ने पहली पारी में 101.4 ओवरों में 311 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने पहली पारी में 106.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 367 रन बनाए थे। भारत ने पहली पारी के आधार पर मेहमान टीम पर 56 रनों की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के 127 रनों पर सिमटने के बाद भारत को जीत के लिए 72 रनों का आसान लक्ष्य मिला। टीम इंडिया ने 16.1 ओवरों में पृथ्वी शॉ और केएल राहुल की पारियों की बदौलत बिना कोई विकेट गंवाए इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। हैदराबाद टेस्ट में जीत के साथ ही भारत ने 2 मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया और वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ कर दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ भले ही टीम इंडिया आसानी से सीरीज जीत गई हो, लेकिन टीम के कई पक्ष ऐसे हैं जो सुधार की जरूरत के लायक है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच टीम इंडिया ने 2-0 से सीरीज जरूर जीती, लेकिन एक बार फिर ओपनिंग की समस्या टीम इंडिया के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि केएल राहुल के लगातार फ्लॉप प्रदर्शन होने के बाद रोहित शर्मा को टीम में लाने की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। जी हाँ, खबरों की माने तो हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने भी एक बड़ा सपोर्ट दिया है रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा के प्रदर्शन को देखते हुए सचिन ने कहा कि केएल राहुल अगर प्रदर्शन खराब कर रहे हैं और इंग्लैंड से इतने खराब फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में रोहित शर्मा को टीम में मौका देना सही है, और अगर विराट चाहें तो उनसे ओपनिंग भी करवा सकते हैं क्योंकि रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलियन पिचेस का एक्सपीरियंस है। ऐसे में रोहित शर्मा एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सचिन की राय क्या विराट कोहली को रास आएगी।
अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में हजरतुल्लाह जजई का शानदार प्रदर्शन जारी है। उन्होंने रविवार को खेले गए लीग के 14वें मुकाबले में काबुल जवानन की ओर से खेलते हुए एक ही ओवर में 6 छक्के जड़ डाले। इस दौरान उन्होंने 12 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस तरह उन्होंने T20 में फास्टेस्ट 50 के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। बता दें कि हजरतुल्लाह जजई ने हाल ही में अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में 55 गेंदों में 124 रनों की पारी खेली थी। हजरतुल्लाह जजई ने बल्क लेजेंड्स के गेंदबाज अब्दुल्ला मजारी के एक ओवर में 6 छक्के लगाए। इस ओवर में एक अतिरिक्त सहित कुल 37 रन बने। बल्क लेजेंड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 244 रन बनाए। बल्क लेजेंड्स की ओर से वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। 48 गेंदों की अपनी पारी में गेल ने 10 छक्के लगाए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी काबुल जवानन की ओर से हजरतुल्लाह जजई ने 17 गेंदों में 62 रन, रॉन्की ने 47, शहीदुल्लाह और इंग्राम ने 40 और 29 की पारी खेली। हालांकि वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। काबुल जवानन 7 विकेट पर 223 रन ही बना सकी और 21 रन से मुकाबला हार गई। T20 में सबसे तेज 50 रन पूरे करने का रिकॉर्ड टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज युवराज सिंह और वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम है। युवराज ने इस कारनामा 2007 में T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। युवराज ने भी उस मैच में 6 छक्के जड़े थे। वहीं गेल ने बिग बैश लीग में 12 गेंदों में हाफ सेंचुरी लगाई थी। टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ भले ही घरेलू टेस्ट सीरीज जीत गई हो, लेकिन एक विवाद ऐसा है जो जमकर तूल पकड़ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि रोहित शर्मा को टेस्ट टीम से बाहर किए जाने को लेकर कई दिनों से विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि ऐसे में रोहित शर्मा हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में मुंबई की ओर से खेलते दिखाई दिए। बता दें आपको कि क्वार्टर फाइनल मुंबई और बिहार के बीच खेला जा रहा था। ऐसे में रोहित शर्मा ने अपनी टीम को 9 विकेट से जीत दिला दी। दरअसल बिहार की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 69 रन बनाए, जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम रोहित शर्मा की बेहतरीन 33 रनों की पारी की बदौलत जीत हासिल कर सकी। बता दें आपको कि रोहित ने अपनी 33 रनों की पारी में 2 छक्के और 3 शानदार चौके जड़े, जहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेलकर दिखा दिया कि वो वनडे सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और अगर रोहित का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो केएल राहुल की जगह उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट टीम में मौका मिल सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने रविवार को बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी अपने बल्लेबाजों से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद है। कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद कहा, मैं देखकर बेहद खुश हूं कि खिलाड़ी फिट हैं और रनों के भूखे हैं। मुझे लगता है कि मैच बल्लेबाजों के लिए मुश्किल था। राजकोट की तुलना में यहां पहली पारी बेहद चुनौतीपूर्ण थी। भारत ने यहां राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को वेस्टइंडीज को 10 विकेट से घर में लगातार 10वीं टेस्ट सीरीज जीत ली। उन्होंने कहा कि अगर आप 3 खिलाड़ी यानी कि हनुमा विहारी, पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत को देखें तो उन्होंने मौके का अच्छा फायदा उठाया है। मेरा मानना है कि ये सभी चीजें भारत के लिए बहुत अच्छी हैं। भारत ने तीसरे दिन के पहले सत्र में अपनी पहली पारी को पूरा करते हुए 367 रन बनाए और फिर मेहमान टीम को 127 रनों पर आउट कर दिया और 72 रनों के लक्ष्य को तीसरे दिन ही हासिल कर लिया। वेल, विराट के इस बयान से ये बात तो साफ है कि अब वो टेस्ट सीरीज में कोई भी फेरबदल करने के मूड में नहीं है, यानी कि रोहित शर्मा की टीम में एंट्री अब काफी ज्यादा मुश्किल हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनी जाने वाली टीम में रोहित को रखते हैं या नहीं। वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया भले ही टेस्ट सीरीज जीत गई हो, लेकिन टीम में चयन को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जी आपको बता दें कि इंग्लैंड में टीम इंडिया के बल्लेबाजों की जो हालत हुई वो किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ आसान सीरीज जीतने के बाद टीम चयन को लेकर भी काफी सारी बातें खड़ी हो रही हैं। ऐसे में राहुल द्रविड़ ने भी एक बड़ा बयान दिया है टीम इंडिया को लेकर। राहुल द्रविड़ ने कहा कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी पहले से काफी ज्यादा कमजोर लग रही है और अगर उन्हें विदेशों में जीतना है तो उन्हें उन खिलाड़ियों को मौका देना होगा जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, और मौजूदा प्रदर्शन के आधार पर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकती। आपको बता दें कि यहां पर राहुल द्रविड़ का इशारा साफ तौर पर रोहित शर्मा को टीम में शामिल करने का था, क्योंकि रोहित शर्मा को लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद टीम से बाहर किया जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या राहुल का यह बयान विराट को रासाता है और क्या रोहित शर्मा की टीम में एंट्री होती है। तो देखा आपने, आपको 5 बड़ी खबरों से हमने रूबरू कराया। अब देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के खिलाफ टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है। बहरहाल इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज है, देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया कैसे वेस्टइंडीज को हराती है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी 5 बड़ी खबरों के साथ। हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल Next9 Sports को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी बेशकीमती राय हम तक भेजिए। सारी चीजें हम आप तक लेकर आएंगे। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।